कैसे हो मेरे दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरबीसी क्लॉक और डब्ल्यूबीसी जो क्लॉक हमारे बेंच पे रख के जो पसीन में आते हैं तो उसे हम रिमूव कैसे कर सकते हो। वैसे तो इनबिल्ट हमारा एक बटन आता है F2 करके, जिसे हम दबाने के बाद हमारा अनक्लॉक हो ही जाता है। लेकिन कब कब कैसे होता है कि जो हमारे जो रिएजेंट होते हैं वो फुलफिल नहीं होते, तो ऐसे दिक्कत आती है। लेकिन देखते हैं, हम पहले अनक्लॉक करते हैं। तो हमने देखिए, हमारा अनक्लॉग हो चुका है, लेकिन हमारी जो समस्या है वही की वही है। इसका मतलब कि हमारा कुछ ज़्यादा ही क्लॉग हो चुका है। हमारा माइनर वाला नहीं, हमारा मेजर वाला है। अगर किसी का माइनर वाला होता तो अब तक हो चुका होता, तो हम एक बार क्लीनिंग करके देख लेते। अगर किसी को ऐसे नहीं हो रहा अनक्लॉग, तो मैं जो दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है, आपका 110% अनक्लॉग हो जाएगा। तो देखिए, हमने क्लीनिंग कर दिया है। क्लीनिंग में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हमने वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दिया, इसीलिए फटाफट आपको दिखा देते ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, क्लीनिंग हो चुका है, पर भी फिर भी हमारा जो जो क्लॉग है वो वही का वही दिखा रहा है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, WBC क्लॉग और RBC क्लॉग। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास अगर एक वायलेट रेक्यूटेनर ब्लड उसके अंदर हो तो हमें एक CBC रन करा लेना है। क्या दोस्तों, उसको मिक्स करके हमें एक बार रन करा देना है, जिससे 95% हमारी जो है दिक्कत वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने रन करवा दिया है और रन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हो चुका है, ये देखिए काउंट फिनिश हो चुका है। और उसके अंदर नीचे सिर्फ हमारी एक ही दिक्कत आ रही है, सिर्फ RBC बबल और कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम है 110% सॉल्व हो चुका है, पर मेरा जो सैंपल था उसके कारण उसका जो RBC बबल है वो आ चुकी है। अगर आपको भी ऐसे आते तो फिर एक दिक्कत दिखा देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ईजर क्लीनर या हाइपो होगा, उससे आपको उसका मेंटेनेंस जो होता है सर्विस में जाके मेंटेनेंस, उसमें ईजर क्लीनर से क्लीन कर देना है, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम वो सब कुछ होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा कोई एरर नहीं आएगी। तो देखिए, मैं उसे क्लीन कर देता हूँ। ये आप इजेट क्लीनर से क्लीन करेंगे तो 10 मिनट का वेट बताएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो हमारा 110% सब कुछ क्लियर हो चुका है। टाइम भी आप देख सकते हो, आगे वीडियो में भी टाइम देख सकते हो। हमारी कोई एरर नहीं है, सब कुछ निकल चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो।